गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब स्वस्थ और ठीक होंगे, है ना बच्चों? तो चलिए, आज के इस हिंदी की ऑनलाइन क्लास में फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। तो आज हम यहाँ पर हिंदी क्लास में क्या सीखने जा रहे हैं? तो आज की इस क्लास में हम यहाँ पर बारह खड़ी सीखने जा रहे हैं, बारह खड़ी सीखने जा रहे हैं। तो चलिए बच्चों, लास्ट क्लास में हमने कौन सी बारह खड़ी यहाँ पर सीखी थी बताइए? लास्ट क्लास में हमने यहाँ पर कौन सी बारह खड़ी सीखी थी? बारह खड़ी से जुड़े बहुत सारे क्लासेस हमने लास्ट में कर चुके हैं, है ना बच्चों? तो लास्ट क्लास में हमने कौन सी बारह खड़ी सीखी थी और आज हमें कौन सी बारह खड़ी सीखनी है बताइए बच्चों? चलिए मैं ही बताती हूँ आपको। तो यहाँ पर लास्ट क्लास में जैसे लेकर जहाँ तक की बारह खड़ी को हमने सीखा था, है ना बच्चों? जैसे लेकर जहाँ तक की बारह खड़ी को हमने सीखा था। तो आज के इस क्लास में हम क्या सीखने जा रहे हैं? ज के बाद आने वाला व्यंजन कौन सा है बच्चों? ज के बाद आने वाला व्यंजन झ, यानी कि आज हम यहाँ पर झ से लेकर जहाँ तक की बारह खड़ी को सीखेंगे। ओके, तो आपको क्या करना है? बारह खड़ी पर ध्यान देना है। बारह खड़ी स्वर और स्वरों की मात्राएं जब आपको परफेक्ट आएंगे तभी जाकर आप क्या कर पाओगे? शब्दों की रचना कर पाओगे और वाक्यों की रचना कर पाओगे। ओके, समझ में आ गया ना बच्चों? तो आज हम इस क्लास में झ से जहाँ तक की बारह खड़ी को अभ्यास करेंगे। तो चलिए बच्चों, जो भी यहाँ पर आपको दिया जाता है उसे क्या करना है? लिखकर लेना है और उसका प्रैक्टिस करना है और उसे रीड भी करना है। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट हम यहाँ पर क्या करेंगे? झ से जहाँ तक की बारह खड़ी को सीखेंगे। एस झ से जहाँ तक की बारह खड़ी को सीखने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर झ जमा अ बराबर झ, झ जमा अ की कोई मात्रा नहीं होती है तो हमें अ एज इट इज रखना है। ओके, नेक्स्ट झ जमा अ के बाद आने वाला स्वर कौन सा है बच्चों? आ। अ के बाद आने वाला स्वर कौन सा है? आ। तो झ को हमें क्या करना है? आ की मात्रा लगानी है। एस झ को आ लगाने से झ का क्या बन गया? झा। नेक्स्ट झ जमा आगे यहां पर आ के बाद आने वाला स्वर कौन सा है? ई। तो चलिए झ को क्या करना है? ई की मात्रा से जोड़ना है। तो इस तरह से उसे लिखा जाता है। एस नेक्स्ट ई के बाद यहाँ पर कौन सी मात्रा या कौन सा स्वर आता है बच्चों? ई के बाद बड़े ई की मात्रा, जिसे हम इस प्रकार लिखते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पर आपको क्या करना है? झ को बड़े की मात्रा लगानी है, जो इस तरह से लिखा जाता है। एस ओ आ ई ई, और उसके बाद आने वाला स्वर कौन सा है? उ। क्या करना है आपको? झ को उ की मात्रा लगानी है। तो चलिए देखिए यहाँ पर अब हम क्या करेंगे? झ को ओ की मात्रा लगाएंगे। तो इस प्रकार से झ को ओ की मात्रा लगाई जाती है। नेक्स्ट उ के बाद आने वाला स्वर कौन सा है बच्चों बताइए? उ के बाद बड़ा उ, यानी कि उसकी मात्रा इस तरह से लिखी जाती है। एस है ना बच्चों, ये क्या है? मात्राएं हैं, और मात्राएं जो होती हैं सिर्फ और सिर्फ स्वरों की होती हैं। व्यंजनों को मात्राओं को जोड़कर बारह खड़ी की रचना की जाती है। ओके, नेक्स्ट झ को क्या करना है? अब उ की मात्रा लगानी है। एस उ के बाद आने वाला स्वर कौन सा है?
री। ऊ के बाद आने वाला स्वर कौन सा है बच्चों? री। तो चलिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ज को री की मात्रा से जोड़ना है। तो इसे इस प्रकार से लिखा जाता है, एस। नेक्स्ट, री के बाद आने वाला स्वर कौन सा है बच्चों? री के बाद आने वाला स्वर ए। री के बाद आने वाला स्वर कौन सा है? ए। तो चलिए अब हमें क्या करना है, ज को ए की मात्रा से जोड़ना है, एस। ए के बाद, ए के बाद क्या आता है बच्चों? कौन सी मात्रा आती है यहाँ पर? ए के बाद कौन सी मात्रा आती है? आई की मात्रा, एस। तो उसे क्या करना है बच्चों? ज को आई की मात्रा लगानी है, जो झ का क्या बन गया? झे। री, ए, आई, और उसके बाद आने वाला स्वर कौन सा है? ओ। उसके बाद आने वाला स्वर ओ। तो चलिए अब हमें क्या करना है, ओ की मात्रा इस तरह से लिखी जाती है। तो नेक्स्ट, अब हमें यहाँ पर झ को ओ की मात्रा से जोड़ना है, एस। नेक्स्ट, ओ के बाद आने वाला स्वर कौन सा है बच्चों? बताइए, ओ के बाद आने वाला स्वर आओ। तो झ को क्या करना है, यहाँ पर आओ की मात्रा जोड़नी है, जो इस प्रकार से लिखी जाती है, एस। री, ए, आई, ओ, आओ। आओ के बाद कौन सा स्वर आता है बच्चों? आओ के बाद आने वाला स्वर आम। आम जो है इस प्रकार से लिखा जाता है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर झ को आम की मात्रा लगाएंगे, और आम की मात्रा बिंदु के आकार में लग जाती है। नेक्स्ट, आम के बाद, आम के बाद आने वाला स्वर क्या है बच्चों? आहा, जिसे हम विसर्ग कहते हैं, एस। जिसे हम विसर्ग कहते हैं। तो चलिए अब हमें क्या करना है, झ को आहा की मात्रा से जोड़ना है। तो देखिए इस प्रकार विसर्ग की मात्रा यहाँ पर लगाई जाती है। समझ में आ गया ना बच्चों? इस प्रकार से बारह खड़ी की रचना यहाँ पर की जाती है। चलिए अब इसे हम क्या करेंगे, रीड करेंगे। झ जमा अ बराबर झ, झ जमा आ की मात्रा बराबर झा, झ जमा ई की मात्रा बराबर छी, झ जमा छोटे ई की मात्रा बराबर झी, सॉरी बड़े की मात्रा बराबर झी, झ जमा ऊ की मात्रा बराबर झू, झ जमा बड़े ऊ की मात्रा बराबर झू, झ जमा री की मात्रा बराबर झी, झ जमा ए की मात्रा बराबर झे, झ जमा आ की मात्रा बराबर छे, झ जमा ओ की मात्रा बराबर झो, झ जमा औ की मात्रा बराबर झौ, झ जमा आम की मात्रा बराबर झम, झ जमा आहा की मात्रा बराबर झा। तो इस तरह से बारह खड़ी को पढ़ा जाता है। तो और एक तरीका, जैसे कि हम यहाँ पर जानते हैं, झ झा जी झी झू झू झ्री झे झई झो झौ झम झहा, झ झा झी झी झू
झू झ्री झे झै झो झाओ झम झहा। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर बारह खड़ी को पढ़ते हुए उसे क्या करना है, 5 times लिखना है। क्या करना है बच्चों, 5 times लिखना है और रीड भी करना है और 12 खड़ी को बार बार इसका लिखना प्रैक्टिस आपको क्या करना है, यहाँ पर करना है। तो चलिए बच्चों, आशा करती हूँ कि आज का यह क्लास आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट 12 खड़ी को लेकर हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।